न्यूज लीडर्स को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स। एक बड़ी खबर आ रही है बड़वानी जिले से, जहां लगभग 300 बसों के माध्यम से करीब 10,000 से अधिक आदिवासी समुदाय के लोग भोपाल के लिए रवाना होने जा रहे हैं। खरगोन लोकसभा सांसद गजेंद्र सिंह पटेल ने व्यवस्था संभाल रखी है। वहीं धाबा बावड़ी में स्थापित शहीद भीमा नायक के स्मारक से इन बसों को हरी झंडी दिखाकर राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुमेर सिंह सोलंकी, कैबिनेट मंत्री प्रेम सिंह पटेल के प्रतिनिधि बलवंत सिंह पटेल, भाजपा जिला अध्यक्ष ओम सोनी सहित अन्य जन प्रतिनिधियों ने रवाना किया है। वहीं सेंधवा विधानसभा से पूर्व मंत्री अंतर सिंह आर्य ने करीब 3,000 लोगों को अपनी देखरेख में भोपाल के लिए रवाना किया है। पानसेमल, राजपुर और अंजड से भी बसें जा रही है। आपको बता दें कि जिले से 300 बसों से लोग भोपाल पहुंच रहे हैं। कलेक्टर सहित प्रशासन की तैयारी, सारी व्यवस्था के साथ बिरसा मुंडा जनजातीय गौरव दिवस में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। भोपाल यात्रा के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त कर वह भी बसों के साथ जा रहे हैं। जिला प्रशासन के साथ भाजपा पदाधिकारी सक्रिय देखे गए हैं, जो सम्मेलन में भाग लेने वालों की व्यवस्था में लगे हुए हैं। जानकारी मिली है कि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा ने आकस्मिक रूप से मार्ग में रोक कर चेक किया है। जिले से रवाना हुए 10,000 जनजाति बंधुओं में से 2,000 जनजाति बंधु सीहोर में और 8,000 जनजाति बंधु देवास में रात्रि में विश्राम करेंगे, जहां से सभी बसें 15 नवंबर की सुबह इस प्रकार रवाना होगी। प्रातः 10 बजे वे भोपाल के जंबूरी मैदान पर आयोजित होने वाले जनजाति गौरव दिवस पर कार्यक्रम में पहुंच सकेंगे। बसों के साथ साथ 6-6 नोडल अधिकारी भी गए हैं, जिसमें जिले से गए जनजाति बंधुओं को रुकने, खाने पीने में किसी प्रकार की कोई असुविधा न होने पाए। इसी प्रकार जिले से गई प्रत्येक बस के साथ मेडिकल किट भी दी गई है, वे भी काफिले के साथ। प्रत्येक विधानसभा जनपद से पर्यवेक्षक के रूप में भी अधिकारियों का दल भी अलग अलग वाहनों से रवाना किया गया है, जो मार्ग की स्थिति की समुचित जानकारी जिला कंट्रोल रूम को उपलब्ध कराता रहेगा। बताया जा रहा है कि शहीद खाज्य नायक एवं भीमा नायक की जन्मस्थली तथा कर्मभूमि से पवित्र माटी भी लेकर गए हैं, जहां पवित्र माटी को एक कलश में एकत्रित कर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री जी को आदर सहित भेंट। जनजाति कार्यक्रम के लिए कितने वाहन कहां कहां से आए हैं और कितनी संख्या में? हमारे जनजाति गौरव दिवस जो कि मध्य प्रदेश में होने जा रहा है और पूरे देश में भी होने जा रहा है, आदिवासियों के लिए निश्चित रूप से यह गौरव का विषय है कि आदिवासियों का यह विशेष दिन रहेगा, इसलिए जनजाति गौरव दिवस का नाम दिया गया है। हमारे क्षेत्र में झापड़ी मली चिरमिड़िया आज नदी से लगाकर पूरे उधर मोहनपुरा चिरमिड़िया और उधर सिरवेल तक के लोग लगभग यहाँ से 75 गाड़ियाँ से 2,000 से 3,000 लोगों के बीच में हमारे इस क्षेत्र के जनजाति लोग, आदिवासी समाज के भाई बहन यहाँ से जा रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए न्यूज लीडर्स के साथ।